हेलो एवरीवन, क्रैक कैंप के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूँ यशिका बुरा पवार आपके साथ। देखो, आज हम हिट्रोकेमिस्ट्री हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से क्वेश्चन को लेकर आए हैं। आपका दिसंबर 2014 में CSIR नेट में आपका पूछा गया था, 2 मार्क में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, आपको पता होगा इस चैनल पर आपको एक ट्रिक बताई जाती है कि कैसे आप किसी भी कॉम्पिटिशन में, अगर आप केमिस्ट्री का कोई भी पेपर दे रहे हैं, MCQ खासकर आपके पास जो क्वेश्चन है, तो वहां पर आंसर को पहचानना बहुत जरूरी है। कम से कम नॉलेज के अंदर आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, वो आपको यहां पर बहुत ही अच्छे वाली आपको यहां पर मदद मिलने वाली है। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आए, यहां पर क्वेश्चंस पसंद आए, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे प्रॉब्लम को देखते हैं। देखो यहां पर क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना होता है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, बेंजोथायोफेन आपके पास यहां पर दिया हुआ है, साथ में क्या है, ब्रोमीन आपको एक्सिस में दे रखा है, क्लोरोफॉर्म यहां पर एक एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है, रूम टेम्परेचर की सिंपल कंडीशन है, मींस कुछ नहीं है। थायोफेन आप बेंजोथायोफेन है, मींस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपके पास दिया है, उसके ऊपर आपको ब्रोमिनेशन कराना है, ब्रोमीन आपको एक्सिस में दिया है। आपको क्या करना है, आपको आंसर में क्या करना है, क्या आना चाहिए, उसके लिए आपको चारों ऑप्शन को देखना बहुत जरूरी है। तो एक बार हम ऑप्शन पर जाएंगे। देखो अगर मैं ऑप्शन की तरफ जाती हूं ABCD में, इसका मतलब क्या है, ब्रोमीन का एडिशन करा रखा है, 2 ब्रोमीन का, क्योंकि हमने एक्सिस में लिया है तो 2 ब्रोमीन का एडिशन करा रखा है, कि कहां पर आपके पास एडिशन होगा बस आपको ये डिसाइड करना है। मींस क्या है कि आपको ब्रोमिनेशन जो कराना है, यहां पर ब्रोमीन की पोजीशन को आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। आपका मेन काम क्या है, इसकी पोजीशन को डिसाइड करना। अब देखो जब भी हम ब्रोमिनेशन कराते हैं, आपके पास कहीं पर भी डबल बॉन्ड है, जब भी आप उसका ब्रोमिनेशन कराते हो तो इस तरह से क्या बनता है, ब्रोमिनियम आयन आपके पास बनता है, ठीक है। फिर आपके पास दोबारा से आपके पास क्या होता है, ब्रोमीन नेगेटिव आपके पास फिर से अटैक करता है, ये आपके पास अलग हो जाता है। मींस क्या है, जब भी आप ब्रोमिनेशन कराते हो, हैलोजिनेशन कराते हो, तो वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड है उसके, आपके पास कार्बन है उसके पास में हमेशा अटैक करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब आपको यहां पर ये देखना है कि कौन से डबल बॉन्ड पर जाकर ब्रोमीन अटैक करेगा। सबसे पहली बात तो क्या है, दोनों जो ब्रोमीन है वो दोनों एक साथ वाले कार्बन पर आते हैं, ये चीज आपको पता है, क्योंकि पहले ब्रोमीन क्या करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहां पर एक क्या बनेगा, आपके पास साइक्लिक रिंग बनेगी, ठीक है। आपके पास क्या है, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग आपके पास है, जो कि क्या है, बहुत ही इनएक्टिव होती है। फिर आपके पास क्या करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा। मींस क्या है, ब्रोमीन की पोजीशन अलग अलग तो कहीं पर हो नहीं सकती, इसका मतलब ए आपके पास चॉइस में ये भी आपके पास पॉसिबल नहीं है। यहां पर भी ब्रोमीन बहुत दूर दूर वाले आपके पास एल्कीन के ऊपर दे रखी है, बी भी आपके पास पॉसिबल नहीं है। अगर आप सी में देखोगे, दोनों के दोनों क्या है, पास वाले ब्रोमीन एक दूसरे के साथ वाले पर है, इसका मतलब ये वाला पॉसिबल है आपके पास। अगर आप डी ऑप्शन देखोगे, डी के अंदर भी आपके पास क्या है, ब्रोमीन 6 मेंबर रिंग पर आपके पास दूर दूर दे रखी है, मींस आपके पास डी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सिंपल सा इतना फंडा पता है सिंपल हैलोजिनेशन का, तो यहीं से आप देखकर अप्रोच कर सकते हो आंसर को, कि आपके पास ए बी और डी है वो आपके पास कैंसिल आउट हो रखे हैं, इसका मतलब जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सी आंसर आपके पास हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ देखो कि जब भी आपके पास इंडोल अगर आपके पास है, अगर मान लिया यहां पर हमें ब्रोमिनेशन, ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है 2 मार्क के अंदर ही, यहां पर क्या है, हमने ब्रोमिनेशन एक्सिस में कराया, तो हमने एलिमिनेट करके देखा है कि आंसर आपके पास क्या है। जनरली क्या है कि जब अगर मैंने यहां पर एक आपके पास मॉलिक्यूल ब्रोमीन का डाला होता, तो आप चेक करते कि एक जो ब्रोमीन है वो कहां पर लगता, वो यहां आपके पास इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में किस पोजीशन के ऊपर आपके पास लगता। तो देखो आपके पास जब भी हम हिट्रोसाइक्लिक पढ़ेंगे, आगे मैं आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज भी बताऊंगी, तो यहां पर भी आप एक बार ध्यान देना, ठीक है। आपके पास जब भी कोई बेंजोफ्यूरेन दे रखा है, या फिर आपके पास बेंजोथायोफेन दे रखा है, या फिर आपके पास बेंजो पायरोल आपके पास दे रखा है, खासकर जो बेंजो पायरोल आपके पास होता है, बेंजीन आपके पास है, इधर आपके पास नाइट्रोजन ग्रुप आपके पास लगा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेंजो पायरोल बोलते हैं, या आपके पास क्या है, बेंजोथायोफेन आपके पास है,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब भी इस तरह का कंपाउंड आपके पास है, बेंजोपायरोल का एक फेमस नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, इंडोल कहते हैं, मींस जब भी इंडोल टाइप का आपके पास कभी स्ट्रक्चर मिलता है तो इसकी जो एक्टिव फॉर्म है, यहाँ पर जो भी आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ता है वो हमेशा किस पोजिशन पे जाके जुड़ता है, इस थर्ड पोजिशन पे जाके जुड़ता है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 हमेशा किस पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, आपके पास थर्ड पोजीशन पे जाके जुड़ेगा। कोई भी आपको किसी भी तरह का आपके पास कंपाउंड दे रखा है, चाहे आपको ग्रोमिनेशन करवा रखा है, सल्फोनेशन करा रखा है, नाइट्रेशन आपके पास करा रखा है, किसी भी तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको करा रखा है, तो वो किस पोजीशन पर जाकर होता है, बेंजीन पर कभी भी नहीं होगा, किस पर जाकर होगा, आपके पास इस 5-membered रिंग पर जाकर आपके पास होगा, और वो भी किस पोजीशन पर होगा, थर्ड पोजीशन पर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पास है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंडोल आपके पास अगर कभी भी दिया होगा, इंडोल टाइप का बेंजोथायोफेन है, बेंजोफ्यूरेन आपके पास है, इन सब के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस पर्टिकुलर कार्बन पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। कोई भी है, चाहे आपको हैलोजिनेशन दे रखा है, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन आपको दे रखा है, सबके अंदर आपको क्या जोड़ना है, कंपाउंड इस पर्टिकुलर कंपाउंड पर जोड़ना है। यहां पर क्या है, ब्रोमीन आपको एक्सिस में दे रखा है, तो दो ब्रोमीन लगे हैं, पहला जो ब्रोमीन लगता है वो इसी पोजीशन पर लगेगा, सेकंड वाला क्या है, फिर उसको क्या करेगा, दोबारा आपके पास यहां पर लगेगा, इस साइक्लिक रिंग को तोड़ के आपके पास स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर मैं आगे ये भी बताऊंगी आपको, अगले अगले क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा, जब भी हम फ्यूरेन की बात करते हैं, ठीक है, आपके पास फ्यूरेन की बात करेंगे, पायरोल की बात करेंगे, थायोफेन्स की बात करेंगे, वहां पर कौन सी एक्टिव साइट है जहां पर आपके पास प्रोडक्ट बनता है, वो अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले लेक्चर में फिर से एक प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं, तब तक टेक केयर, थैंक यू।